हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू गाइस आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स। तो दोस्तों, जो लोग भी मई 23 में अटेम्प्ट दे रहे हैं और ग्रुप 2 की तैयारी कर रहे हैं, आप सब लोगों को पिछली बार मैंने आके बताया था कि ग्रुप 2 का फेस टू फेस बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं लक्ष्मीनगर में। साथ में यही वाली क्लासेस जो है लाइव वर्चुअल हमारे सेंटर्स पे दिल्ली में, पीतमपुरा में, एज वेल एज हमारा जनकपुरी सेंटर में भी ये क्लास टेलीकास्ट होगी। तो आप लोग अगर आना चाहें, मुझसे कई स्टूडेंट्स ने कई सारे सवाल पूछे, तो मैं उन सवालों के यहाँ पर जवाब देने आया हूँ। देखिए दोस्तों, आपके ग्रुप 2 के जो सब्जेक्ट्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऑब्वियसली आपके लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं अपने सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूं, तो दोस्तों ये आपके फाइनल का पेपर SFM का बेस है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप लोग जो यहाँ पर पढ़ोगे प्रैक्टिकल लाइफ में, आप बहुत अप्लाई करोगे आपके अपने जिंदगी के लिए, जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके अलावा दोस्तों, ऑब्वियसली आप लोगों को ऑडिट पढ़ना है या SSM, और साथ में आप लोगों को पढ़ना है एडवांस अकाउंट। ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो है इंपॉर्टेंट है, और इन सब की आपके लिए बहुत रेलिवेंस है जब आप प्रोफेशनल बनेंगे। तो दोस्तों, मुझसे कई सारे दोस्तों ने आपके जो है कुछ फ्रेंड्स ने एक सवाल पूछे, तो मैं उन सवालों के यहाँ पर जवाब देने आया हूँ। सबसे पहली चीज मुझसे पूछा गया है कि सर, हम लोग फेस टू फेस क्लासेस के लिए आए हैं, या लाइव वर्चुअल के लिए जाएं, या पेन ड्राइव गूगल ड्राइव के लिए जाएं, आप क्या सजेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, बड़ी सिंपल सी बात, पहला सवाल, अगर आप फेस टू फेस में आते हैं तो ऑब्वियसली उसमें एनर्जी पूरी होगी, आप सामने होंगे, हम आपको जो है पॉइंट आउट करके आपको जो है वी कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू, वी कैन लुक एट यू, एंड हम जो है आपको आपका बेस्ट अपने सामने निकालेंगे। बट ऑब्वियसली बात है, वर्चुअल आने में, लाइव वर्चुअल अगर आप लेते हैं घर पे या एज द केस में भी हमारे सेंटर पे, तो आपको ये एडवांटेज है कि आपका समय बचेगा आने जाने का। लेकिन वही वाली क्लास जो हमारी फेस टू फेस क्लास है, वही आपके घरों में भी लाइव वर्चुअल मिल रही है, साथ में हम लोग जो है लाइव एट सेंटर भी जो है आपको ये क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। दिल्ली के सेंटर्स में अगर आप ये क्लासेस कुछ करते हैं, आप अगर वीक या 10 डेज में एक बार अगर फेस टू फेस के लिए आना चाहे, और फिर बाकी वापस आप पीतमपुरा या जनकपुरी सेंटर पे कंटिन्यू करना चाहे, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। तो ये चीज आप जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों ने मुझसे ये वाली चीज पूछी कि सर, पेन ड्राइव गूगल ड्राइव, देखो पेन ड्राइव गूगल ड्राइव में रिकॉर्डेड है, आप ऑब्वियसली बात है, अभी हमने इसी साल जो मैंने बैच खत्म किया था, जो लास्ट बैच खत्म किया था, वो भी मिल रहा है आप लोगों को, साथ में ये जो नया बैच शुरू हो रहा है वो भी अवेलेबल है। लेकिन ये वाला बैच जो है दोस्तों शुरू हो रहा है 5 दिसंबर, ये वाले क्लासेस जो हैं, ये वाले बैचेस जो हैं, बाय फरवरी एंड सारे सब्जेक्ट्स खत्म हो जाएंगे, ऑल द 4 सब्जेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। तो आप लोग अपनी जो प्लानिंग कर रहे हैं, बोथ ग्रुप्स के जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, फरवरी एंड तक आपको ये खत्म हो जाएगा, तो उस हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हैं। बोथ द ग्रुप्स का रिविजन आपके लिए 2 महीने के लिए, 2 महीने आपको मिलेंगे मार्च और अप्रैल, जो कि अपने आप में सफिशियंट है कि आप 2 ग्रुप्स के रिविजन कर सकें। तो मुझसे आपके फ्रेंड ने ये पूछा था कि सर, जो अगर हम लोग फेस टू फेस बैच में आते हैं, तो उसमें हमें बैकअप किस तरीके से मिलेगा अगर कोई हम क्लास मिस कर जाए तो। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने फेस टू फेस क्लास ज्वाइन की और कभी किसी कारणवश आप जो है क्लास नहीं कर पाते हैं, तो आपको बैकअप मिलेगा। ये हमारी जो फेस टू फेस की क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड वर्चुअल, हमारी ऐप के थ्रू आपको जो है रिकॉर्डेड आप लोगों को मिल जाएंगी। आपको क्लासेस का 50% बैकअप जो है सबको फ्री ऑफ कॉस्ट है, एवरीबॉडी। मेरे सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 100% बैकअप है आप लोगों के लिए, जो भी मेरे से फेस टू फेस पढ़ने आएंगे, आपके पास 100% फेस टू फेस का जो है ये वाली क्लास का बैकअप है। तो कहने का मतलब, अगर आप रिवाइज भी करना चाहें एंटायर सिलेबस, तो वो सिलेबस भी आप रिवाइज कर सकते हैं। फिर मुझसे पूछा, सर अगर हम लाइव एट होम लेते हैं तो उसका, अगर हमने लाइव एट होम की अगर क्लास मिस कर दी तो उसका क्या होगा। लाइव एट होम की क्लास अगर दोस्तों आप लोगों ने मिस कर दी, घबराने वाली बात नहीं, आपके पास टोटल 2 व्यूज हैं, या तो आप लाइव देख लें और उसी के साथ में एक रिकॉर्डेड व्यू, या फिर एज द केस में भी अगर आपकी लाइव क्लास मिस भी हो गई, तो आपके पास 2 रिकॉर्डेड व्यूज हैं उस पर्टिकुलर क्लास के, नो प्रॉब्लम्स। 2 व्यूज से ज्यादा कतई जरूरत ही नहीं होता, दैट इज मोर देन सफिशियंट फॉर एनी सब्जेक्ट, हाफ व्यू भी काफी होता है। खैर, इसके अलावा जो है मुझसे पूछा गया, सर जी एक बात बताएं, इसमें जो क्लासेस हैं उनकी ड्यूरेशन क्या है। गाइस, ऑडिटिंग का बैच जो है 2.5 आवर्स की क्लासेस लेंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट फेस टू फेस, जिसकी 3 आवर्स की क्लासेस होंगी, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, मैं आप लोगों को जो है
रिकॉर्डेड दे रहा हूँ, जो कि मैंने अभी इसी साल में इसको अपडेट किए थे अपने लेक्चर्स, लेटेस्ट जो भी कुछ आया हुआ था सारे अमेंडमेंट्स जो उसके अंदर डाल दी, साथ में इनके मेरे जैसा कि जो लोग भी मुझसे पढ़े हुए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी आपको पॉकेट बुक, जैसे कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैंने दी थी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी पॉकेट बुक मिलेगी, एज वेल एज इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस की भी आपको हैंडबुक मिलेगी, रिविजन हैंडबुक, विच इज मोर देन सफिशियंट लास्ट डे रिविजन के लिए, बहुत ही अमेजिंग टूल है ये। तो फिर जो है इसके अलावा जो है आपकी एडवांस अकाउंटिंग की क्लास 3 घंटे की होगी और आपकी EISSM की भी क्लासेस जो है 2.5 आवर्स की क्लासेस होगी। नेक्स्ट सर जी एक बात बताएं, टेस्ट किस तरीके से होंगे? तो दोस्तों टेस्ट जैसे मैं नॉर्मली कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी लेता हूँ, हर चैप्टर के एंड पे आपको टेस्ट मिलेगा, ईच चैप्टर एज खत्म होता है उसी तरीके से आपको चैप्टर मिलेगा, मेरे सब्जेक्ट में भी बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपके टेस्ट होंगे, रेगुलर टेस्ट होंगे हर चैप्टर के एंड पे, ताकि आपकी परफॉर्मेंस पता चले और फिर ओवरऑल भी पूरे पेपर का भी आपका टेस्ट होगा। अब इन टेस्ट का डिस्कशन जो है मैं आप लोगों को, मेरे सब्जेक्ट का तो मैं आपको टेस्ट का डिस्कशन आपको जो है रिकॉर्डेड आपको दूंगा पूरा का पूरा, कि भाई इसमें ये क्वेश्चन है, स्टेप मार्किंग भी बताऊंगा कि ये जैसा कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में करता हूं वही फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दोस्तों FM इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में लेटेस्ट आपको जो है टेस्ट मिलेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लेटेस्ट टेस्ट में अभी जो है रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, बना भी रहा हूं, एज द केस में भी आप लोगों के लिए ये लेटेस्ट रिकॉर्ड लेटेस्ट जो टेस्ट है उनमें लेटेस्ट क्वेश्चंस तक, एज सच कोई नए कॉन्सेप्ट नहीं हुए, जिन्होंने भी पिछला बैच भी किया उनको भी नए टेस्ट आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा आपकी गूगल ड्राइव में। So, आपने मुझसे पूछा रेगुलर टेस्ट, तो हर चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिलेगा। फिर इसके अलावा आपके दोस्तों ने मुझसे पूछा कि सर डाउट सॉल्विंग कैसे होगी, अगर हमने फेस टू फेस, अगर आप फेस टू फेस क्लास में आएंगे तो वहीं पे डाउट सॉल्विंग हो जाएगी, क्लास के बीच में हो जाएगी, क्लास के एंड पे हो जाएगी, लाइव वर्चुअल क्लासेस अगर आप करेंगे तो भी वहां पे आप उसी टाइम पे टाइप करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं, चाहे आप लाइव एट सेंटर करें, चाहे आप लाइव एट होम करें, आप उसी टाइम पे हमसे सवाल पूछ के जो अपने क्वेरीज का जो है रेजोल्यूशन ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप गूगल ड्राइव पेन ड्राइव लेते हैं तो घबराने वाली बात नहीं है, आप लोगों को मैं फोन नंबर दूंगा, सारे टीचर्स जो अपने फोन नंबर्स देंगे जिसमें कि आप हमें जो है अपना मैसेज करेंगे आपका डाउट, और उसका डाउट का मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश होती है 24 आवर्स मैक्स 48 आवर्स, जो लोग भी मुझसे पढ़ते हैं वो लोग जानते हैं मैं तो सीधा कॉल भी कर देता हूँ, वॉइस नोट भेजता हूँ, सीधा बात करने में ज्यादा बिलीव करता हूँ, रादर देन कि मैं बड़े बड़े मैसेजेस टाइप करूँ, तो मैं उसमें जनरली जो है मैं बात ही कर लेता हूँ, आई प्रेफर टू डू दैट एनी हाउ। तो डाउट सॉल्विंग में भी अगर आपने गूगल ड्राइव पेन ड्राइव भी ली, इसी साल में जो हमारे रिकॉर्ड बैच हुए थे वो भी अवेलेबल है, अगर आप ये लेटेस्ट जो बैच है जो चल रहा है उसकी भी गूगल ड्राइव पेन ड्राइव करना चाहें अगर, तो गूगल ड्राइव तो मिल जाएगी, पेन ड्राइव तो बिल्कुल बैच के एंड पे ही मिल पाएगी, उससे पहले नहीं मिल पाएगी, तो गूगल ड्राइव जो है आपको श्योरली अवेलेबल होगी, यही इसी बैच की आपको जो है गूगल ड्राइव भी मिल सकती है, लेकिन ये बैच फिर फरवरी एंड तक खत्म होगा, तो आपका सिलेबस उस हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। अगर आप पिछला वाला बैच ले लेते हैं सिलेबस में तो कोई चेंज है नहीं, टेस्ट में लेटेस्ट में आपको जो है बुक भी बेसिकली सेम है, तो आपको टेस्ट जो है मैं लेटेस्ट दे दूंगा मेरे सब्जेक्ट के, तो एज सच देर आर नो अमेंडमेंट्स, यस सम क्वेश्चंस, न्यू क्वेश्चंस आई हैव एडेड इन द टेस्ट, वो जरूर आपको करने चाहिए, दैट विल बी गिवन फॉर द प्रीवियस रिकॉर्डिंग एज वेल एज दिस करंट रिकॉर्डिंग, तो आपकी मर्जी आप कैसा कौन सा वाला लेना चाहे बैच, इट इज एब्सोल्युटली ऑन योर डिस्क्रिशन। मुझसे एक सवाल पूछा गया सर आपके दो बैच अवेलेबल है, एक एग्जेम्पशन बैच है, एक मेंटोरिंग बैच है, इवन ये अपकमिंग बैच, सर हम कौन सा बैच ले? माय डियर फ्रेंड्स एग्जेम्पशन बैच का फंडामेंटल बताता हूं, एग्जेम्पशन बैच में मैंने क्या किया, देखो ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कहते हैं सर हमें ना कम आवर्स में जल्दी करना है कोर्स, तो मैं जो क्लास के अंदर प्लानिंग बताता हूँ, जो क्लास के अंदर मैं मोटिवेशन देता हूँ, या क्लास के अंदर मैं जो चीज़ें लिखवाता हूँ उनको लिखवाने में, जैसे मैं काफ़ी बच्चे हमारी फेस टू फेस क्लास में काफ़ी ज़्यादा समय ले जाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ उसमें लिखने का टाइम को मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ, और उसके अलावा भाई आप अपनी मर्जी से, आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आप घर पे जब मर्जी चाहें तो इसको जो है पॉज कर सकते हैं अगर आपको समय ज्यादा लग रहा है। इसके अलावा जो मोटिवेशन या प्लानिंग वाला पोर्शन है, भाई आपको अगर ये सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ इसमें एग्जेम्पशन 60 क्रॉस करने 70 क्रॉस करने, इसमें आपके 90 क्रॉस भी आते हैं जैसा कि आप हमारे रिजल्ट्स देख सकते हैं, तो अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं इस सब्जेक्ट में, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, CA फाइनल में, SFM में, SCMPE में, सभी में आपके अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे, जस्ट आपको प्रोग्राम और बिल्कुल सिस्टमैटिक मैनर में काम करना है। तो अल्टीमेटली मेरे जो एग्जेम्पशन बैच है उसमें मैंने आज ड्यूरेशन कम कर रखी है, मैंने जो मोटिवेशन प्लानिंग एक्सेट्रा वाला पोर्शन है उसको मैंने डिलीट कर दिया है, सिर्फ कंटेंट पे फोकस किया है, और साथ में इसके अलावा
जो आपके लिखने का जो कुछ समय होता था कि कई बच्चे क्लास में जो है एक एक चीज को लिखने में जो है तीन तीन चार चार पांच पांच मिनट लगा देते हैं, मैंने उसको फिर 30-30 सेकंड्स कर दिया। आपको अगर समय लगता है तो आप पॉज कर सकते हैं एज द केस में, तो वो काफी कम आर्ट्स की क्लासेस हैं। बुक सेम है, क्वेश्चन सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, जस्ट आर्स कम कर दिए हैं। इसके अलावा जो मेंटोरिंग बैच है वो जस्ट लेटेस्ट वाला जो बैच था, लास्ट बैच था, वो वाला मेंटोरिंग बैच आपको उसमें पूरा एज इट इज क्लास, जिसमें कि पूरा मोटिवेशन, पूरा प्लानिंग, एवरीथिंग जो है अवेलेबल है, और वो बैच में बिल्कुल रेलिवेंट है आपके May 23 और इवन November 23 के लिए भी। और अदरवाइज ये जो बैच शुरू हो रहा है 5th December से, वो भी आप लोगों को अवेलेबल है, आप लोग वो भी लेना चाहे। बस ये है वो थोड़ा सा लेट खत्म होगा, फरवरी एंड तक खत्म होगा। तो गाइज आप लोग जो है इसके अलावा जो है आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग इस वीडियो के नीचे आप अपने कमेंट्स दीजिए, साथ में मैं आप लोगों के पास जल्दी ही आता हूँ फैकल्टी के साथ, हमारे जो फैकल्टी जो आपको पढ़ाएंगे सब्जेक्ट, एक बार हम उनके साथ भी सेशन रखते हैं। तो वेरी सून आई विल बी मीटिंग यू, और एक थम्स अप जरूर दे देना इस वीडियो पे। मेरी तरफ से आप सब लोग को बेस्ट विशेस, मिलते हैं 5th December से, जो लोग भी लाइव फेस टू फेस एक्सेट्रा क्लासेस कर रहे हैं और जो लोग भी गूगल ड्राइव बुक कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी कीजिए। हमारी तरफ से, मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।